आज मैं लेके आई हूँ रोस्टेड मखाना रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है, और साथ ही साथ इतना हेल्दी कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। मैं बताऊंगी तो इसके खाने के कितने सारे फ़ायदे हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो आप मखाना का रेगुलर यूज करें और इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। तो आज एक वीडियो में दो दो मखाना का रेसिपी मैं लेके आई हूँ। तो देख सकते हैं मैं फ्रेश मखाना ले ली हूँ। इसमें अगर कोई गंदा हो तो चुन के पहले अलग कर दें, और उसके बाद इन फ्रेश मखाना का मैं ये सुपर टेस्टी नाश्ता बना रही हूँ। अगर कोई मेहमान आ जाए और झटपट से बनाना हो, घर में कोई नाश्ता ना हो, तो आप इसको बना सकते हैं। इसके लिए हम कढ़ाई चढ़ा दिए गैस पे और थोड़ा सा हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कढ़ाई में हम डाल दिए रिफाइन ऑयल, ज़्यादा गर्म नहीं होने दिए, थोड़ा सा गर्म हुआ तभी हम इसमें मखाना को डाल दिए, और इसको हम रेगुलर चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। आपको मखाना रोस्ट करने में कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, तो इसको आप मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से चलाते हुए भून ले। आपको मखाना को तभी तक रोस्ट करना है जब तक कि ये पूरा क्रिस्पी ना हो जाए, तभी तक आप इसको भून लें। तो देखिए अभी मैं ट्राई की तो अभी चिपक रहा है, पूरा अच्छे तरीके से नहीं टूट रहा है, इसीलिए मैं लगभग 2 मिनट तक इसको और पकाऊंगी। 2 मिनट तक और पकाने के बाद जब मैं इसको चेक करती हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ आपको, ये अब टूट रहा है अच्छी तरीके से। तो और ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, तब तक हम इसके लिए सीक्रेट मसाला बना लेती हूँ घर पे ही, इसके लिए कोई अलग से नहीं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच ले लिए हैं जीरा पाउडर, और आधा चम्मच चाट मसाला, और सभी को हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। चाट मसाला और मिर्ची पाउडर हम इक्वल माप में लेंगे, जितना चाट मसाला उतना मिर्ची पाउडर, साथ ही नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जीरा पाउडर हम 1/4 चम्मच लिए हैं। सभी को अच्छी तरीके से मिला लिए हैं। इसको हम अभी यूज नहीं करेंगे, इसका हम आगे यूज करेंगे। तो देखिए मखाना अब अच्छी तरीके से टूट रहा है, यानी कि अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम ही रहने दें, मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं तो ये अच्छे तरीके से क्रिस्प होता है और जलता नहीं है। तो अब हम मखाना निकाल लेंगे, और इसी कढ़ाई में फिर से हम डालेंगे 1 चम्मच शेजवान चटनी, और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। दोनों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और थोड़ी देर गरम करेंगे। उसके बाद इसमें हम रोस्ट किया हुआ मखाना डाल देंगे। तो देख सकते हैं चटनी गरम हो चुका है। अब हम इसमें मखाना डाल के लगभग 2-3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे चलाते हुए पकाएंगे, जिससे क्या होगा कि जितना चटनी है ये मखान के ऊपर कोडिंग हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं रोस्ट किया हुआ मखाना। अगर ये चटनी के साथ शेजवान चटनी और ये टोमेटो केचप का कोडिंग हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा इसका खट्टा खट्टा स्पाइसी सा टेस्ट आता है। और इसके ऊपर ये जो मसाला बना के हम रखे थे ये डाल देंगे, और इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे, या गैस का फ्लेम आप ऑफ भी कर सकते हैं, 2 मिनट तक अच्छी तरीके से चला लेंगे। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। चटनी और ये ड्राई वाला मसाला देने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए कुछ मिनटों तक पका लें, जब तक कि ये मसाला और चटनी मखाने के साथ पूरा अच्छी तरीके से सेपरेट ना हो जाए। उसके बाद देख सकते हैं मखाना तैयार है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर मखाना चाट भी बना के खा सकते हैं। मखाना चाट बनाने के लिए हम इसमें डाले हैं थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ प्याज, उसके बाद हरा मिर्ची डाल देंगे, और इसके साथ ही हम इस पर डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ बनाना, और इसके साथ इस पर जाएगा ढेर सारा सेब और रोस्ट किया हुआ मूंगफली। तो आप अगर मूंगफली या सेब डालना चाहते हैं तो डाल दें, घर का बना हो या बिकाजी का भुजिया आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है।
तो कैसी लगी आज की रेसिपी, कमेंट करके आप अपना सुझाव ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, हल्के फुलके भूख के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आपके घर में कोई बूढ़े हैं जिनके जोड़ों में प्रॉब्लम है तो आप ये डिश बना के दे सकते हैं, और साथ ही कोई मेहमान आ जाए, कुछ भी नहीं बना है तो बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। बच्चे भी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।